अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में हर एक इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से हो जिसका इल्म के साथ ताना बाना हो, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत का तारुफ करवाएं जो वाकई तालीम के साथ पूरी तरह से मुंसलिक हो, और उनके पूरी कोशिश हो कि इस मुआशरे को मैं इस तरह से ट्रेन करूँ कि वो मुआशरा जो है वो बेहतरीन मुआशरा बन के निकले। ऐसे मोहतरम एजाज हैदर साहब, आप माहे तालीम होने के साथ साथ एक ह्यूमन बीइंग भी हैं। इंसान का आगाज होता है स्कूल से, किसी भी तालीमी इदारे से, जहां वो फर्स्ट स्टेप से शुरू करता है। आपने अपने तालीमी कैरियर का आगाज किस स्कूल से किया? जी, सबसे पहले मैंने मैट्रिक जो है गवर्नमेंट एमसी हाई स्कूल कोतवाली रोड से पास किया जी। फिर उसके बाद मेरा जो इंटरमीडिएट है वो इस्लामिया कॉलेज समुदा रोड से है। फिर इसी तरह फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से बी कॉम किया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एम कॉम किया, इस्लामाबाद नमन यूनिवर्सिटी से एम फिल किया। यानी कि थ्रू आउट मेरी एजुकेशन जो है ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से ही है, गवर्नमेंट के इदारों से ही पढ़े हैं। आप करंटली सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज में एज एचओडी कॉमर्स और इसके साथ साथ इंचार्ज एकेडेमिक्स, दो बड़ी भारी जिम्मेदारियां हैं। कभी बोझ महसूस हुआ हो कि एकेडेमिक्स को भी देखना है और साथ साथ आपने पढ़ाना भी है, तो कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि ये दोनों चीज़ें पैरेलल जाना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए? नहीं सर, चैलेंजेस तो होते हैं लाइफ के अंदर, और वैसे भी मेरी एजुकेशन ही मैनेजमेंट साइंसेज की है, तो चीज़ों को साथ लेके चलना मैनेज करना ईजी है मेरे लिए। भी कॉमर्स के लोगों से मिला, मैंने एक चीज़ इनमें बड़ी कॉमन पाई, चाहे वो बैंक में हो, चाहे वो किसी तालीमी इदारे में हो, चाहे वो किसी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हो या किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो, मेन चीज़ जो मैंने देखी वो उनकी ड्रेसिंग और उनकी गुफ्तगू। पहले तो बात करते हैं, ऐसा क्या सिखाया जाता है कॉमर्स में कि ड्रेसिंग के ऊपर कॉमर्स के लोग बहुत तवज्जो देते हैं, आप क्या कहते हैं? सर देखिए, हमारी जो फील्ड है मैनेजमेंट साइंसेज की, तो उसके अंदर बाकायदा हमारे सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट साइंसेज के सारे टैक्टिक्स सिखाए जाते हैं। तो जैसे हम प्रोवर्ब पढ़ते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो इसलिए मैनेजमेंट के लोगों को अपना फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा देना पड़ता है, ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ता है। हम नेशनली या इंटरनेशनली कभी प्रोफेशनल्स को देखें तो उनकी ड्रेसिंग बड़ा काउंट करती है, तो इसलिए मैनेजमेंट साइंसेज के जो लोग हैं अपनी ड्रेस कोड के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करते। कॉलेज की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं उसमें भी आप पेश नजर आते हैं जी, तो इतना सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं? क्या आपके अंदर वो पैशन है जो आपको मजबूर करता है कि मैं ये सारा भी कर लूँ? जी जी सर, हमारे रीजनल डायरेक्टर साहब फरमाते हैं कि हर इंसान के पास 24 घंटे हैं, अगर वो चाहे तो इन 24 घंटों का बेस्ट यूज भी कर सकता है, अगर वो चाहे तो इन 24 घंटों को सो के या फजूलियात में भी गुजार सकता है। तो मैं जब ड्यूटी पे आ जाता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि अपने ड्यूटी आवर्स को बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे में यूज़ करूँ। तो जैसे अभी आपने कहा कि हमारे कॉलेज के अंदर करिकुलम एक्टिविटीज़ जो हैं या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ ये सारी परफॉर्म होती हैं, जिसके अंदर फंक्शंस आ जाते हैं, बच्चों की स्पोर्ट्स आ जाती हैं, तो इनमें भी मेरी कोशिश होती है भरपूर कॉलेज का साथ दिया जाए, जो भी हमारे हाउस इंचार्ज बनते हैं उनको सपोर्ट किया जाए, तो इस हवाले से जो है मेरी एक्टिविटीज़ काफ़ी बेहतर रहती हैं। गुस्सा तो आता होगा, कौन सी ऐसी आदत घर वालों में जिस पर आपको शदीद गुस्सा आता होगा, कोई एक हैबिट ये कि बच्चे या वाइफ जो है कभी इन मैनर्ड अपनी चीज़ों को रखते हैं, वो भी मुझे बुरा लगता है। मैं उनको कहता हूँ कि आपकी हर चीज़ जो अपनी अपनी जगह पे होनी चाहिए ताकि ढूंढने में और आपको काम करने में आसानी हो। आपको कोई एक इदारा दे दिया जाए इन फ्यूचर और आपको उस इदारे की हेडशिप दे दी जाए, तो कौन सी ऐसी चीज़ें आप उसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, उस हवाले से आपकी प्रायोरिटीज बता दीजिए। जी, प्रायोरिटी सबसे पहले ये है कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बने, ऑब्जेक्ट डिसाइड होते हैं कि अदारे बनाने का मकसद क्या है। तो अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो उसका देखिए बोर्ड में पोजीशन लेना, 100% पास परसेंटेज देना, और बच्चों को जो है सिर्फ डिग्रियाँ ही ना मिल जाएं बल्कि बच्चे जो है प्रैक्टिकली अपनी लाइफ को परफॉर्म करने के लिए एक कारआमद शहरी बने, तो ये मेरी प्रायोरिटीज होगी कि जो भी बच्चा पढ़ के जाए वो इतना स्किलफुल हो कि उसको जो है बेरोजगारी का सामना ना करना पड़े, मुल्क और कौम की तरक्की में वो अपना किरदार अदा करे। मैंने काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ाया और जब तक मैं जानता हूँ उसमें मैंने एक चीज़ नोट की कि ये बड़ी कोशिश हिम्मत और दिल से पढ़ाते हैं, इनकी कोशिश होती है कोई एक बच्चा भी फेल ना हो, ऐसा क्यों?
देखिए सर, मैं भी फादर हूँ, मेरे भी बच्चे स्कूलिंग कर रहे हैं, तो मेरी कोशिश अपने बच्चों के लिए भी यही होती है कि मेरे बच्चे के ऊपर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, मेरी उम्मीदें उनके साथ हैं, तो वो अच्छे नंबर लें, कामयाब हो जाएं। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि जो लोग हमारे पास अपने बच्चों को भेजते हैं, उनकी फीलिंग भी हमारी तरह ही होंगी, वो अपने बच्चों से बहुत कुछ उम्मीदें लगा के बैठे होंगे। अगर हम तवज्जो से, मेहनत से उनको पढ़ाएंगे, तो उसी तरह जैसे हम अपने बच्चों के बारे में खुश होंगे, तो वो वालदैन भी बच्चों के बारे में खुश होंगे। आप कॉमर्स के HOD हैं, अकाउंटिंग में 100% रिजल्ट है, कौन सी ऐसी टिपिकल सी बात है जो बच्चों को 100% रिजल्ट दिला देती है, उस सवाल से कुछ पता है? उसमें सर देखिए, पहले नंबर पर पेपर पैटर्न को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि पेपर में किस किस एरिया से किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, देखिए MCQs टाइप क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, इनको इनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है। अगर बच्चों को इनकी वेटेज और इनकी इंपॉर्टेंस के हवाले से लेके चला जाए, तो बच्चे आसानी से पास क्या 100/100 मार्क्स ले लेते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल के हवाले से, जिसका नाम हमने रखा हुआ है इंग्लिश विद AQ, क्या पैगाम देना चाहिए? जी, पैगाम तो यही है कि आप लोग जो है बहुत अच्छी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम जिनमें ज़्यादातर आपके स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग मिलके अच्छी अच्छी चीज़ों को सामने लेके आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा और आपके लिए बेस्ट विशेज दूँगा कि इसी तरह आप न्यू आइडिया डिफरेंट टीचर्स के, डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स के आगे लेके आइए, ताकि वो लोग जिनको लोग समझते हैं कि ये कुछ माशरे में अपना बेटर रोल प्ले कर रहे हैं, वो माशरे में आके YouTube के ज़रिए लोगों को बताएं और तमाम लोग जो है बेहतरी की तरफ जाएं और ओवरऑल हमारा मुआशरा, हमारा पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आप चाहते हैं कि आप कॉमर्स में बेहतरीन इंसान बने, बेहतरीन स्टूडेंट बने, बेहतरीन डिग्री होल्डर बने, तो उसके लिए बेहतरीन चॉइस सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, और दूसरी बड़ी चॉइस HOD कॉमर्स प्रोफेसर इजाज़ हैदर साहब, जो यकीनन अकाउंटिंग में आपको टॉप क्लास बना देंगे। इजाज़ हैदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत शुक्रिया जी। यकीनन आप इनकी गुफ्तगू को समझा होगा, सीखा होगा, और इसमें बहुत सब कुछ था जो एक एंटरप्रेन्योर को चाहिए। टिल द नेक्स्ट एपिसोड, इट्स अल्लाह हाफिज़।